दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबको राम राम और अकवाबा। आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट और काफी स्पेशल जगह पर। देखिए, जब हम लोग देश से बाहर होते हैं ना, तो ये जगह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग सोचिए, शायद कुछ को समझ भी आ गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। जिनको समझ नहीं आया है वो जल्दी जान जाएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो मैं जल्दी से जाकर रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और फिर खूब सारी बातें करेंगे हम लोग। एक बात और बताना भूल गई मैं, एक बात और। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी प्राउड वाला है। ये प्राउड मोमेंट क्या है ये भी आपको पता चलेगा उसी स्पेशल जगह पर, उसी इम्पॉर्टेंट जगह पर जाने के बाद। तो चलो चलते हैं, मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों, मैं हो गई हूँ रेडी। पैलेस मॉल क्रॉस करते समय मैंने देखा कि ये कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं। हमारे इंडिया में भी तो होता है ना ऐसा, थड़ियाँ बोलते हैं इन छोटी दुकानों को। अच्छा है, लोग कमा रहे हैं, चाहे छोटा ही कमा रहे हों पर अपना पेट तो भर रहे हैं मेहनत करके। हम लोग अभी इंडियन एम्बेसी के एरिया में आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं इंडियन एम्बेसी, जिसको उच्चायोग भी बोलते हैं, भारतीय उच्चायोग। तो हम लोग जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी, वहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं ये मैं आगे बताऊंगी आपको। ये जो एरिया जहाँ पर है, इस एरिया में ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ की एम्बेसी है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। और जब एम्बेसी का एरिया आ जाएगा तो फ़ोटो बाहर से लेना, वीडियो बनाना मना है। अभी तो हम लोग उस एरिया में मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, टूवर्ड्स उस एरिया जा रहे हैं। तो ये है रिज रोड, और रिज रोड पर ही हमारी इंडियन एम्बेसी है। तो पहुँचते हैं अंदर और जाते हैं अंदर। इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक ऐसे कंपटीशन रखा गया था जिसमें मुझे फर्स्ट रैंक आई थी, और यही है आज का सरप्राइज, यही है आज का अवार्ड और प्राउड मोमेंट। हम देश को दिल में जिंदा किए चलते हैं। हम धन्यवाद। ये हैं हाई कमिश्नर सर श्री सुगंध राजा राम। जो श्रीमान जी हमारे साथ हैं उनका नाम है श्री संजय अस्थाना जी। ये इंडिया हाई कमीशन में सेकंड सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं, और ये सारे लोग जो यहाँ पर बनी हुई एसोसिएशंस के मेंबर हैं। और ये काफ़ी टाइम से ना लाइब्रेरी जैसा, मतलब ये ऐसे इस तरह से बैठना। और ये हाई कमीशन ऑफिस में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनी हुई थी, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद हमने इस तरह की लाइब्रेरी देखी। हाँ, तो जैसे आपने देखा कि मुझे ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट रैंक आई और मेरी कविता को सबने बहुत पसंद किया, तो इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो इसके लिए आज सौरभ हमें ट्रीट दे रहे हैं, मतलब मुझे ट्रीट दे रहे हैं। तो हम लोग आज बाहर जा रहे हैं और हमारे साथ में एक और फैमिली फ्रेंड समझ लीजिए, आज उनका बर्थडे भी है। तो हमने सोचा कि एक साथ में दो सेलिब्रेशन हो जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए नोबल हाउस। ये वही सेम जगह है जहाँ पर हम पिछली बार गए थे। तो वहाँ पर इस बार मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ कि क्या मेन्यू होता है वेज में। तो निकलते हैं, पहुँचते हैं नोबल हाउस। पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पर तो ये पूरा भरा हुआ था, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे था, लेकिन आज ये
पूरा खाली है, आप देख लीजिए। ये बाहर वाला है जहाँ पे हम पिछली बार बैठे थे, ये पूरा खाली है। और सौरभ और संजीवा अंदर हैं और अंदर भी ऑलमोस्ट खाली ही है। तो ब्यूटीफुल है ये पूरा, खूब प्यारी प्यारी लाइट्स है। ये अभी नया हुआ है तो इसके लिए ऑब्वियसली, और घर से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है। ये वो रोड है स्पिनटेक जो दिन में एकदम ज़बरदस्त रहती है और अभी पूरी खाली है। ये है नोबल हाउस का मेन्यू कार्ड। और चलो देखते हैं, ये चीज़ें तो हमारे काम की नहीं है, अल्कोहल और ये सब कुछ तो हम लेते नहीं हैं, तो इसके लिए ड्रिंक्स से आगे चलते हैं। मैं सीधा जाती हूँ इंडियन कुजीन में। तो इंडियन कुजीन में ये हैं स्टार्टर्स, और इसमें से हमने लिया था वेज प्लेटर, मिक्स वेज प्लेटर लिया था हमने, जिसमें चार या पाँच तरह के वेराइटीज़ वेज में थी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने मंचाओ सूप लिया था और हमने लिया था मकई मटर मशरूम और कढ़ाई पनीर और बटर नान। ये लोग तब तक डिस्कस ही कर रहे थे और मनु और मेरा तो मेन्यू ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि हमें क्या चाहिए। ये लोग दोनों डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग घर आ गए हैं। आज का मैंने ऑलमोस्ट आधा दिन आप लोगों के साथ स्पेंड किया, आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। तो आप लोग खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्वस्थ रहिए, बाहर जब भी जाए तो मास्क ज़रूर पहनिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है मीनाक्षी एंड इंडियन इन घाना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।